तूने देखा ही नहीं ना ट्रेलर, झूठ बोल रहे हैं। क्या बोल, क्या होता है ट्रेलर में, बिगनी में क्या डायलॉग है, बता 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 बता। हम लोग जब एंकर बनते हैं ऐसे ही खींचते हैं हमारी, ऐसा चुप होता है। कौन सा गाना पसंद आया बता अभी? वो एक ही गाना है, बेसिकली यही पसंद है। दूसरा गाने का नाम क्या है? नाम है मेरा आपका माइक यहाँ से। क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? पहले हम ये कहना चाहेंगे कि 9 मार्च को फिल्म रिलीज हो रही है। इट्स एन ओवरऑल ब्लॉकबस्टर इन द मेकिंग। इट्स गॉट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एरोटिका, थ्रिलर, रोमांस, अमेजिंग सॉन्ग्स, सस्पेंस, एवरीथिंग एवरीथिंग। इट्स गॉट करण वाही, इट्स गॉट इहाना डिलन, इट्स गॉट मी, इट्स गॉट द वन एंड ओनली उर्वशी रौटेला एंड विशाल पांड्या बिहाइंड द कैमरा। सो इट्स गोइंग टू बी एन अमेजिंग वॉच। इट्स अ थरो एंटरटेनर। प्लीज वॉच इट एंड लीव योर कमेंट्स ऑन द टी सीरीज वेबसाइट। सो कैरेक्टर्स की बात की जाए तो किस तरह का किरदार है आपका? सिंपल है, मैं विलन हूँ, ये हीरोइन है और वो हीरो सिंपल हो गया। हम कुछ नया बोलना चाहते हैं, बट आई थिंक बिकॉज़ यू नो व्हेन यू कीप गिविंग इंटरव्यूज यू टेंड टू लाइक नॉट से टू मेनी। अच्छा ठीक है, ये विलन है, मैं हीरोइन हूं और ये हीरो है। अच्छा मैं हीरो हूं। नहीं यार, आई थिंक ये एक फिल्म में हर कैरेक्टर ग्रे है। सब पूरे पॉजिटिव नहीं है, पूरी तरह से पॉजिटिव नहीं है, पूरी तरह से नेगेटिव नहीं है, इंक्लूडिंग जो सबसे ज्यादा आई थिंक ग्रे है वो विवान का कैरेक्टर है, लेकिन देर इज अ बिग पोर्शन ऑफ विवान कैरेक्टर दैट इज अ नाइस मैन। लाइक यू नो आप यूल फील फॉर विवान कैरेक्टर, यूल फील फॉर हर, यूल फील फॉर उर्वशी आल्सो एंड यू फील फॉर उर्वशी, द फीलिंग्स विल बी डिफरेंट। लाइक ही जस्ट डेमोंस्ट्रेटेड दैट कि उनको दो वो अलग वाली फीलिंग्स है और दोनों गाने उर्वशी के उर्वशी वो अलग ही फीलिंग्स है, वो ठीक है। सो यार आपके लिए बहुत स्पेशल है, फिल्म डेब्यू है आपका, तो आपका क्या कहना है? I would say I'm very excited that I got a debut with History 4. It's a hit franchise, everyone knows. And it's T-Series, of course, one of the biggest production house in Bollywood. And amazing story, except that it's an amazing story. When I signed the movie, I read the script. It's very amazing and it's based on true, inspired by a true incident, you can say. And my character has lots of variations in the movie. Like as Karan told you, it's a revenge story, so every character has a gray shade. But besides that, it has lots of variations. It was great for me to performing that because I think for me, for a beginner or for a debut, people are going to judge me from this movie, but I got to play the best. So I'm very happy. So obviously, जानना चाहिए और भी सीरीज पर सेकंड थर्ड आपने तीनों देखी? यार मैंने सेकंड और थर्ड देखी, मैंने फर्स्ट नहीं देखी। फर्स्ट एक्चुअली बहुत पहले आई थी, आई थिंक 2005 में या 2008 में आई थी, 2012 में आई थी, मुझे ये भी नहीं पता। तो आई थिंक सेकंड हिस्टोरी 2 से क्या हुआ था, आई थिंक द फ्रेंचाइजी बिकेम मोर कमर्शियल, थोड़ा सेक्स एलिमेंट, इरोटिक एलिमेंट डालने से, गाने पंप इन करने से आई थिंक बहुत फ़र्क पड़ा था। तो आई थिंक सेकेंड थर्ड मैंने देखी थी, मुझे दोनों अच्छी लगी। होपफुली हिंदुस्तान और पूरी दुनिया को फोर्थ सबसे ज़्यादा अच्छी लगेगी, सबसे ज़्यादा अच्छी लगेगी। सो व्यूअर आपकी बात करें, आपकी जर्नी बॉलीवुड में बहुत ही कमाल कर रहे हैं आप, तो थैंक यू। इस बार किस तरह क्या करने वाले, क्या खास लगा आपको हिट स्टोरी 4 पे जो आप? देखिए एटलीस्ट फॉर मी ऐसा ये रोल करने का मौका इसलिए मैंने अपनाया क्योंकि ये रोल जो है वो इन योर फेस विलन नहीं है, ही इज़ बिहाइंड द सीन्स, वो ग्रे है, लेकिन इट्स नॉट लाइक कि चिल्ला के सबको मार देता है, इट्स नॉट लाइक दैट, यू नो, इट्स लाइक पता भी नहीं चलता कि कौन मैनिपुलेट कर रहा है सिचुएशन, देन यू फाइनली फाइंड आउट कि इट्स हिम। सो इट्स अ नाइस वे, इट्स अ डिफरेंट रोल फॉर मी और वो बैलेंस मेंटेन करने के लिए वो चैलेंज था मेरा, तो दैट वाज फन फॉर मी, दैट्स व्हाई आई चोज इट। सो विशाल के डायरेक्शन में काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा सब? यार बहुत ही मजेदार डायरेक्टर हैं वो ना, कभी इट वाज अ पेड हॉलिडे, हां मतलब वो कभी-कभी ऐसी-ऐसी चीजें कर देते हैं। आई नेवर मेट दिस चिल्ड आउट पर्सन लाइक विशाल पांड्या, वो लगते ही नहीं है कि वो डायरेक्टर हैं, आल्सो बिकॉज़ ऑफ द एज, आई थिंक यू नो वी आर ऑल ऑलमोस्ट द सेम एज, थैंक्स करण फॉर दैट। मतलब आई थिंक एक टाइम के बाद कोई एज का डिफरेंस, मतलब जब आप छोटे होते हो ना कि वो 10 साल का और मैं 20 का हूं तो मैं बहुत बड़ा हूं, लेकिन उसके बाद आई थिंक आप वंस यू क्रॉस 25-26 सब ऑलमोस्ट सेम वेवलेंथ पे आ जाते हैं। तो आई थिंक इवन आर डीओपी, यू नो शी वाज आल्सो सो मच फन, सुनीता जी वाज सो मच फन, सो इट्स गुड, सो वेरी यंग लॉट
of people, our costume stylists, our hair and makeup. Yeah, everybody. They the were whole all setup young. Was amazing. Even Vishal Pandya, like he's, जैसे हमने पहले भी इंटरव्यू में बोला, he's very focused. And he's very clear in his head कि उसको क्या चाहिए. Especially with a film like this, ना उनको पता था कि उनको exactly क्या चाहिए. So that helps us a lot. So it helps the actors a lot. So it was amazing. वो शी लीड कर रही है. तो आप लोगों का क्या रिएक्शन रहा फिर इस पे? क्या ऐसे लीड है वो? तो हम भी लीड हैं. हम कोई मतलब कोई जूनियर आर्टिस्ट थोड़ी हैं. आपने कहा भाई ग्रे है. Grey is my character. Actually, अगर आप फिल्म देखोगे ना तो आप रियलाइज करोगे कि सबका रोल इक्वल है. यस, द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द फिल्म इज उर्वशी, बट एवरीबडी इंक्लूडिंग इहाना हैज अ वेरी वाइटल रोल टू प्ले एंड इट्स नथिंग टू डू विद लीड और एनीथिंग. इट्स अ टीम एफर्ट. आई थिंक वो दिन चले गए यार. हाँ, जब आप लीड मतलब लीड से किसी को बॉदर होता था कि अरे यार ये लीड है मैं लीड क्यों नहीं. उससे फिर सबसे पहले तो फिर उन्हें ये होना चाहिए कि मेरा ग्रे कम होना चाहिए, दूसरे का ग्रे ज़्यादा होना चाहिए. आई थिंक शी इज़ ऑन द पोस्टर बिकॉज ऑफ अ रीज़न. वो रीज़न आपको 9 मार्च को फिल्म देख के ही पता चलेगा कि वो रीज़न क्यों है. बिकॉज शी इज़ प्रॉब्ली द ओनली वन इन द फिल्म हु हैज़ अ सीन विद ऑल ऑफ अस एंड हैज़ अ मोमेंट और अ कैरेक्टरिस्टिक मोमेंट विद ऑल ऑफ अस. सो दैट्स वाई शी इज़ द प्रोटैगनिस्ट. सो क्या कहना चाहेंगे अपने चाहने वाले फैंस के लिए? 9 मार्च को रिलीज है, देखना मत भूलिएगा. प्लीज गो टू अ थिएटर नियर यू और इफ इट्स फार अवे फ्रॉम यू प्लीज गो देयर ऑल्सो. होली का माहौल है, प्लीज रंग में भंग हो जाइए और बहुत सारी भंग मत खाइए और जाइए पिक्चर और एंजॉय कीजिए. बम बम भोले. यस, हिट स्टोरी 4 रिलीजिंग ऑन 9th ऑफ मार्च. गाइस गो वॉच थिएटर्स नियर यू. Not only near you, everywhere actually. And yeah, it's my debut, so please go watch and support me. No. Just watch the film, yeah. 9th of March, it's almost there. Hum almost pahunch gaye hain and we worked hard and I hope you Delhi like ke it. Koi theater mein ye hoga to isko dekhna sare theater mein jaiye dekhiye ki Karan Wahi kaun se theater mein hai, kaun se theater mein hai, kaun se theater mein hum hai. To bas dekhiye yaar, humne mehnat ki hai. Achhi lage to bhi bataiye, nahi achhi lage to bhi bataiye. Ticket khareedi koi baat nahi. Ticket to tumne khareed li hogi. Koi baat nahi. Thank you. Thank you so much.